हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव ऑसम। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं पटना का बुद्धा स्मृति पार्क, जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। सो, आप स्क्रीन पर एंट्री टिकट प्राइस और पार्क की टाइमिंग्स देख सकते हैं। तो अभी मैंने अपनी एंट्री टिकट ले ली है। इस पार्क का इनॉग्रेशन भगवान बुद्ध के 2554वें जन्मदिन के उपलक्ष पर 27 मई 2010 को 14वें दलाई लामा और बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ था। ये पार्क 22 एकड़ में फैला हुआ है और इस पार्क को बनाने में 125 करोड़ रुपए लगे हैं। ये पाटलिपुत्रा करुणा स्तूप है, जिसमें भगवान बुद्ध की पवित्र राख रखी हुई है। इस पार्क के लोकेशन की बात करें तो यह पार्क फ्रेजर रोड में स्थित है, जो पटना जंक्शन के बिल्कुल पास है। मैं अब स्तूप के अंदर जा रहा हूं। इस पार्क की मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगी कि पूरे पार्क में बुद्धं शरणं गच्छामि मंत्र का जाप होते रहता है, जो आपके मन को बहुत सुकून पहुंचाता है, बहुत शांति पहुंचाता है। शाम के वक्त यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप देख सकते हैं इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत कूल वेदर है और एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है। आई रियली लव दिस प्लेस। तो अब मैं अंदर आ चुका हूँ, लोग यहाँ मेडिटेशन भी करते हैं। यही भगवान बुद्ध की वो पवित्र राख रखी हुई है। जब आप अंदर आएंगे तो आपका पूरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मेरे पीछे आप देखिए ये खूबसूरत सा ग्रीनरी। हम लोग शाम के वक्त यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ बहुत शांति है और सफाई बहुत अच्छी है। और आई होप कि अगर आप कभी पटना आते हैं तो इस जगह को विजिट करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।